कंपनी का आगमन और आपको बताएंगे कि यूरोपीय कंपनी के लिए जो भारत में नॉलेज सामान्य किताबों में दिए जाते हैं उसमें समयानुसार परिवर्तन आ रहा है कि कैसे यूरोपीय कंपनी भारत में आई, उद्देश्य क्या था और क्यों इसे हम भारत की खोज कहते हैं, कहां कहां हम लोग भ्रमित है और कैसे शब्दों के चलते हम लोग कुछ हद तक उपहास के पात्र भी हैं। ये थोड़ी सी जानकारी हम आपको देंगे। तो सबसे पहले आपको बताएंगे कि क्या सही में भारत को खोजा यूरोप के लोगों ने या वास्को डिगामा ने, तो ये पूरी तरह गलत है। ध्यान रखेंगे कि प्रमाणिक रूप से जो सबसे पहले व्यक्ति भारत आया था, ठीक है, भले वो अस्थल खंड से आया हो, लेकिन भारत पर वो एक बहुत बड़ा सैन्य दल लेकर यूरोप का आने वाला व्यक्ति था जिसका नाम था सिकंदर, ठीक है। और ये 326 BC में भारत आया था, 326 ईस्वी पूर्व में भारत आया था। हाँ, ये जरूर है कि वो जिस मार्ग से आया था वह मार्ग यहां पर अगर आप इंडिया लेकर चलते हैं, ये इंडिया आपको अगर ये है, तो वैसी स्थिति में इस मार्ग से आया था, ध्यान देंगे, और तब जाकर वो यूरोप वो लौटा भी था और आया भी था। तो इस तरीके से यानी भारत आने वाला अगर पहला प्रमाणिक यूरोपीय देखें आप, तो वो सिकंदर था। और उसने एक मार्ग नहीं बताया था, चार मार्ग बताया था। कैसे? उसके एक अस्थल सेना थी और एक जल सेना थी। अस्थल सेना पहाड़ों को काटते हुए, चीरते हुए भारत की यात्रा पर आए, लेकिन जल सेना जो थी वो नदियों के मार्ग से आई, क्योंकि वो जानता था कि हमें विश्व के विजेता बनने के लिए, मार्किंग पॉइंट है, सिकंदर के नॉलेज में न तो ऑस्ट्रेलिया था, न ही सिकंदर के नॉलेज में उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। उसको हाँ इतना पता था कि यदि म्यांमार तक, जिसको वर्मा कहा जाता था पहले, अगर म्यांमार तक हम जीत लेते हैं तो हम विश्व को जीत लेंगे, और इसके लिए वह सिकंदरिया प्रांत से चल दिया और पूरा ईरान होकर, अफगानिस्तान होकर, कुछ हद तक पाकिस्तान के सीमा में भी प्रवेश कर चुका था, जो भारत की बॉर्डर एरिया था। अगर वो भारत को जीत जाता तो निश्चित ही वह म्यांमार को भी जीत जाता। उसे अंदाजा नहीं था कि भारतीय शक्ति इतनी मजबूत है और अपनी सीमा की रक्षा करने में इतनी सक्षम है, उसे पता ही नहीं। ऐसी स्थिति में एक सबसे जो फ्रूटफुल स्थिति सामने आई, एक पर्वतीय शासक था जिसका नाम था पोरस, पर्वतक भी कहते हैं, हिमालय का राजा भी कहते हैं। वह इस तरीके से झेलम नदी के किनारे सिकंदर से लड़ा था। हम लोग याद कराने के लिए बोलते हैं कि झेलम के पास झेला दिया, ताकि बच्चों को याद हो जाए, दिक्कत नहीं हो। तो झेलम नदी के किनारे सिकंदर को काफी परेशान किया, प्रवर्तक हार गया यानी पोरस हार गया, लेकिन सिकंदर भारत की जानकारी के लिए उसकी हत्या नहीं किया, बल्कि अपने क्षत्रप में शामिल कर लिया, अपनी सेना में उसे शामिल कर लिया। अब रही बात कि जब आगे की तरफ आक्रमण करना शुरू किया सिकंदर, तो ब्यास नदी के पास से वापस लौट गया, ब्यास नदी से वापस लौट गया, ठीक है। तो जब वो लौटा तो फिर नया दो मार्ग देखा, जिस मार्ग से वो आया था पहाड़ों को काटते हुए, बराबर करते हुए, रौंदते हुए, क्योंकि उसके पास भारी भरकम जो थी वो अश्व सेना थी, और उसी अश्व सेना को वो लेकर चला था, पदाती भी थे, पैदल सैनिक भी थे उसके पास।
तो जब वो चला था तो उसके साथ जितने बड़ी सेना थी वह कुछ जल मार्ग से चली और कुछ स्थल मार्ग से चली। लौटी तो फिर दो नए मार्ग का अनुसरण किए, यानी दो एक स्थल मार्ग और एक जल मार्ग। अब यहां कॉमन सेंस सोचने वाली है कि वो दो मार्ग से आया था, एक स्थल मार्ग दूसरा जल मार्ग, और दो मार्ग से ऐसे लौटा। ठीक है, तो जब वो आया और लौटा तो कुल भारत आने के कितने मार्ग उसने दिए? चार। यही कारण था कि अशोक जब बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने प्रचारकों को भेजना शुरू किया तो उसे कठिनाई नहीं हुई, साथ ही साथ वह यूरोपीय लोगों से मधुर संबंध जोड़ सका। हालांकि आपको पता होगा कि अशोक के पहले भी मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था, लेकिन वह सिकंदर से पहले नहीं आया था। सिकंदर का ही सेनापति था सेलुकस, और सेलुकस की पुत्री थी हेलना। हेलना का विवाह हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य से, अतः चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगस्थनीज, जो भारत का वर्णन लिख छोड़ा है। लेकिन ध्यान रखेंगे कि मेगस्थनीज ने जिस इंडिका की रचना की वो ऐसा नहीं कि मूल इंडिका मिल पाई है, इंडिका नहीं मिल पाया है। ठीक है, लेकिन इंडिका के बहुत से उदाहरण प्रस्तुत है, प्लिनी है, एस्ट्रेबो है, जस्टिन है, ये सब यूरोपीय इतिहासकार है। तो प्लिनी हो, जस्टिन हो, प्लूटार्क हो, इन्होंने जब अपना नॉलेज को शेयर किया, बुक में लिखा, तो उन्होंने भारत के बारे में लिखने के दौरान लिखा कि इंडिका के अनुसार बार बार, और इस हिसाब से जब तीनों चारों बुक में देखा गया कि इंडिका के अनुसार, तो वो लिखने वाली जो चीजें थी वो सिमिलरिटीज थी, जिससे लगा कि मेगस्थनीज जो है इंडिका लिखा। एग्जाम्पल्स जो दिए गए हैं अलग अलग किताबों में वो सेम है, माने मैंने भी जिलेबी खाया, आप भी जिलेबी खाए, और सबने लिखा कि राउंड राउंड था और वो मीठा भी लग रहा था, कुरकुरा भी था और काफी रस टपक रहे थे। तो जितने चारों आदमी की किताबों में अगर सेम मिला तो निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि बात सही होगा, कोई अंतर नहीं। तो इसलिए विद्वान निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इंडिका नामक कोई ना कोई पुस्तक थी और मेगस्थनीज उसे लिखा था, भले ही उसकी मूल प्रति नहीं मिल पाई। लेकिन ऐसा नहीं कि यूरोपीय पहला व्यक्ति मेगस्थनीज ही लिखा था, भारत के बारे में लिखने वाले व्यक्ति जो सिकंदर के साथ आए थे वह था अनासिक्रिटस। अनासिक्रिटस, ध्यान रखेंगे ये सिकंदर के साथ आया था। इसी ढंग से था एरिस्टोबुलस, एरिस्टोबुलस, ये थोड़ा सा नाम टेढ़ा टेढ़ा है लेकिन आप इसे दो तीन बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। ये एरिस्टोबुलस और अनासिक्रिटस जैसे विद्वान भी उनके सेना में थे। जब ये दोनों लौट कर गए अपने मातृ देश तो उन्होंने अपने भारत आने के यात्रा वृतांत को लिख छोड़ा था, यानी भारत के बारे में जानकारी हमें ऐसा नहीं कि पुर्तगालियों के और वास्को डी गामा से यूरोप में मिलती है, इसके पहले भी हमें जलमार्ग स्थल मार्ग की जानकारी थी। हाँ, इतना जरूर था कि समुद्री मार्ग से आने वाला पहला व्यक्ति जो एक सुनिश्चित मार्ग की तलाश करने में सफल रहा और जिसके बाद कंटिन्यूटी यूरोप के द्वारा भारत आने जाने की रखी गई और भारत के बारे भारत का इतिहास एक परिवर्तनकारी स्थिति में पहुंच गया, वह वास्को डी गामा ही था। लेकिन अगर समुद्री यात्री में भी हम देखें तो ऐसा नहीं, आप वो लिखते तो जाइए, अब तक के सुनिएगा कथा, जितना जल्दी सुनिएगा उतना जल्दी भूलिएगा, आपको बता रहे, और घर जाके आप कहेंगे कि पढ़ाई नहीं हुआ, हम देख रहे हैं कि मुड़ी गार के सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे हैं, नहीं होगा यार जाने। जितना कम से कम पॉइंट लिख रहे हैं ये तो नोट कीजिए, नहीं दिख रहा है तो इधर आकर बैठिए, नहीं तो जाके कहिएगा पता नहीं कैसा महत्वपूर्ण चीजें कंपैरेटिव एनालिसिस
जो है आपका वो यूरोप का भारत आने के हो रहा है, जो शायद ही कोई अच्छा टीचर कर पाएगा। तो इतने बेहतरीन हम नॉलेज भी दें आपको और आप इसका फायदा ना उठाएं, इसको नोट करते जाइए। बाकी कहेंगे तो डिटेल कथा लिखवा देंगे हम भी, कहां नहीं है, सारे नॉलेज हर जगह व्याप रहा है। लेकिन समझ के करना है, कंपेटिटिव करना ज्यादा कंपेटिटिव बनाता है व्यक्ति को, क्योंकि तो सवाल पूछेगा जो वो बहुत माइनर प्रीपोजिशन के डिफरेंसेस से उसके अर्थ अनर्थ हो जाते हैं। आप लोग खाली नॉलेज लेने के चक्कर में रहिएगा तो सफलता नहीं मिलेगी। नॉलेज की भरा पड़ा है, किताबें खरीद लीजिए 10-20-50 रुपया का, लेकिन फिर मैं कहूंगा कि नॉलेज कंपेरेटिव लीजिए, कंपेटिटिव लीजिए, ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा आपको, ठीक है। तो आपको बताना कि एरिस्टोबुलस और अनासिक्रेटस ये दो विद्वान थे जिन्होंने भारत के बारे में सबसे पहले भारत आके लिखा। नोटे मेगस्थनी, फर्स्ट मेगस्थनी नहीं था, ये पूछे कि भारत के बारे में प्रथम यूरोपीय यात्री कौन था, और ऑप्शन में एरिस्टोबुलस अनासिक्रेटस न हो तो जो हो मारेंगे, मेगस्थनी भी मारेंगे हम लोग, क्या करेंगे। लेकिन अगर ये दो ऑप्शन होता है तो हम इन दोनों ऑप्शन पर विचार करेंगे, ध्यान रखिए। अब यही बात आपको कि ये तो आए गए रह गया, लेकिन क्या समुद्री मार्ग से आने वाला क्या यही वास्को डी गामा ही था, ये भी नहीं है। इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा बताने जा रहा हूं, पहले इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, ठीक है। अब देखेंगे यूरोप से आने वाले ने जो ये मार्ग का अनुसरण किया था, ये मार्ग के अनुसरण भारत में भी किया गया था, और यहां से आगे जो है चीन के लिए जाने वाले गए थे, वह प्रमाणिक रूप से बुक लिखा, उसका नाम था मार्को पोलो, ठीक है। और ध्यान रखेंगे कि मार्को पोलो जो है ये आए थे आपको, यानी कि वास्को डी गामा 1498 को, देखिए यहां डेट भी दिया गया, लेकिन ये आया था आपको 1210 से लेकर और करीबन 1220 के आसपास तक, यानी कि 13वीं शताब्दी में। अब ध्यान रखेंगे ये जब लौट के जाता है तो अपनी यात्रा वृतांत को लिखता है, यानी इन दोनों के आगमन में अंतर है, ये बाद में आते हैं, ये पहले आता है, और ये भारत तक आते हैं और यहीं से ये लौट जाते हैं, लेकिन वो चीन तक जाता है और चीन के तटीय सीमा तक की चर्चा करता है, उसके पास समुद्री जानकारी ज्यादा है, वो स्वयं से आता है मार्को पोलो, ये न कि किसी राजा के और किसी देश के फंड देने से और प्रशिक्षण देने से आता है, वो एक बहुत बड़ा स्वयं ही विश्व परिभ्रमण करने वाला व्यक्ति माना जाता है। हालांकि समुद्री मार्ग से अगर विश्व के परिभ्रमण की बात आए तो यहां भी उत्तर बदल जाता है, ये आपका उत्तर हो जाएगा मैगलन, जो पूरे समुद्री मार्ग से पृथ्वी की लगभग लगभग परिक्रमा पूरा कर दिया था। मैगलन भारत नहीं आया था, मैगलन जो था ये पश्चिमी मार्ग से ऐसे चलते हुए और वहां पर आपके फिलीपींस के पास जापान के ऊपर तक लास्ट पहुंचा, तो न तो बंगाल की खाड़ी में आया था, न अरब सागर में आया था और न हिंद महासागर में आया था, लेकिन वहां से वो जान गया था कि भारत आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आ सकता था, इसीलिए प्रथम समुद्री मार्ग से पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला मैगलन हुआ। अब देखिए गया कि ये जो आया, इस भ्रम को थोड़ा सा हम लोग कम करने का प्रयास करेंगे कि जो आपके यूरोपीय आते हैं यानी पुर्तगाली आता है उसका उद्देश्य क्या होता है, मेन पॉइंट आज मेरा ये है, वो तो भूमिकाएं थी। ध्यान रखेंगे सस्ते दर पर गरम मसाले की पूर्ति उनका प्रथम उद्देश्य था। ऐसा नहीं कि गरम मसाले की पूर्ति इन यूरोपीय देशों में नहीं हो रही थी, हो रही थी, ये भारत से आपका इस ढंग से ये जा रहा था। लोग महंगे दर पर भले पहुंचाते हो, ये अरबियन लोग ही गरम मसाले कुछ इंडोनेशिया से लेकर और कुछ भारत से ऐसे जाकर आपके यूरोप के बाजारों में पहुंचता था, रोम जाता था, लेकिन हाँ 60-70 गुना महंगे दर पर वहां बेचे जाते थे, अतः यहाँ के लोग परेशान थे।
तो जो यूरोपीय लोगों का आगमन का मुख्य उद्देश्य था वह था सस्ते दर पर गर्म मसाले की पूर्ति, गर्म मसाले की प्राप्ति, ठीक है। हाँ जी, यूरोपीय लोगों का तो गर्म मसाले की प्राप्ति उनका उद्देश्य मेन ये था। लेकिन जब वो भारत आए तो ऐसा नहीं कि भारत आने वाले में वही थे, लेकिन उन्होंने एक सुनिश्चित मार्ग की परिकल्पना की, एक मार्ग का पता लगाया। इसमें मदद करने में हेनरी द नेविगेटर जो स्पेन का रहने वाला था आया नहीं भारत, लेकिन वो एक विद्यालय भी स्थापित किया था। इसमें मदद करने वाले में था हेनरी द नेविगेटर, हेनरी द नेविगेटर। इसने मार्ग का पता लगाया कि सॉरी, इन्होंने एक विद्यालय खोला कि किस तरीके से लोगों को प्रशिक्षण दिया जाए कि वे लोग समुद्र के मार्ग का तलाश कर सके और जल्द से जल्द भारत पहुंचकर सस्ते दर पर गरम मसाले, स्वादिष्ट मसाले की प्राप्ति कर सके, क्योंकि उसे मांस में मिलाने पर मांस टेस्टी होता था। और वो लोग ठंडे ध्रुवीय क्षेत्र के लोग थे, वे लोग बड़े मांस खाते थे, वहां करीबन 8 महीने ठंड पड़ता है, 4 महीने कम ठंड पड़ता है, गर्मी तो है नहीं वहां, तो उस ज्यादा ठंड की स्थिति में मांसाहार मदिरा उन लोगों के लिए अनिवार्य है। वहां मदिरा बंद नहीं हो सकता है किसी भी परिस्थिति में। तो इस तरीके से उन वे लोग मांस को टेस्टी बनाने के लिए उसे मसाला मिलाते थे, खा चुके थे भर दिए मसाला को। तो ये उनको मुगलों ने या यूं कहें मुसलमानों ने पूर्ति होने में बाधा पैदा की। नॉट इंडियन मुसलमान, इंडिया में तो बाद में मुगल आते हैं, लेकिन इसके पहले भी जो रास्ते में थे वो लोग प्रतिबंध लगा दिया था ड्यू टू क्रूसेड्स, धर्म युद्ध के कारण। तो फिर वो क्या कि समुद्री मार्ग ही एक विकल्प बचा था। अब इसमें मदद बार्थोलोमियो डियाज नामक व्यक्ति ने भी किया था। बार्थोलोमियो डियाज जो था, बार्थोलोमियो डियाज, ठीक है, बार्थोलोमियो डियाज जो था वो सबसे पहले यहां आया और यहां से वो फिर लौट गया और कहा कि मैं भारत आने के मार्ग की खोज कर चुका हूं, वहां से आशा है कि हम भारत जा सकते हैं। तो उसका उसने नाम रख दिया उत्तम आशा अंतरित, उत्तमाशा अंतरिक्ष, इसने नाम रख दिया। अब उत्तमाशा अंतरिक्ष में आपको शायद पता होगा अंग्रेजी में यह नाम रखा था केप ऑफ गुड होप। जी जी, केप ऑफ गुड होप, केप माने होता है अंतरिक्ष, यानी तीन तरफ से अगर किसी स्थल खंड में पानी हो तो उसको हम केप बोलते हैं। गुड माने होता है अच्छा या उत्तम, और हो को मतलब होता है आशा, उत्तम आशा का अंतरिक, उत्तम आशा अंतरिक। तो यहां जो था आपको एक उम्मीद उसकी जगह, उसके बाद वो यहीं से पैक हो गया, ये बार्थोलोमियो डियाज। इसके बाद जब भारत आने के लिए दूसरा व्यक्ति चला वही था आपका वास्को डी गामा। और शायद आपको प्राप्ति पता होगा कि वास्को डी गामा जब भारत के लिए चला था तो मुख्य इसके साथ 170 लोग ही चले थे, बाकी इनके साथ 27 जो थे वो भानसा थे, खाना वाना बनाने वाले लोग थे, और 4 जो थे इनके साथ मुख्यतः जहाज था। इस 4 जहाज से वो भारत के लिए आए थे। और ध्यान रखेंगे ये लोग जब चला था तो 8 अप्रैल आपके 1497 की तिथि थी, 8 अप्रैल 1497 की तिथि थी, और दिन था इनका शनिवार। ध्यान रखेंगे ये लोग शनिवार को यात्रा प्रारंभ किया था। हालांकि शनिवार तो कभी आता होता है नहीं, लेकिन अब आजकल डेप्थ नॉलेज का एक सिद्धांत चला है तो इसलिए हम लोग इसे भी बता देते हैं, शनिवार शनिवार। तो शनिवार को ये चला, और शनिवार को जब यहां से चला तो यहां तक गया, यानी कि एरोज द्वीप तक। इतना दूर एरोज द्वीप नहीं है, इस मैप में थोड़ा ज्यादा दूर दिखा दिया गया। और फिर उसका मार्ग जो था
वो ऐसे जब वो किनारे किनारे चलता है, ध्यान रखेंगे तो इतना दूर नहीं जाता है, जो ये मार्ग है ये ठीक नहीं है, वो किनारे किनारे जो है कोशिश करता है कि पड़ाव डालते हुए हम चले, ठीक है। जब यहां आता है तो फिर धीरे से मेडागास्कर को पार नहीं करता है, फिर किनारे किनारे जाने के बाद यहां से जब उसे पता चल गया, हालांकि उसे कच्छ के गुजरात के व्यापारी जो थे वो अपने यहां ले जाना चाहते थे, लेकिन वह किया गया कि दूर जाने से जब उसे पता चल गया कि नहीं सीधे भारत पहुंचा जा सकता है, तो केरल के कालीकट तट पर वो पहुंच गया, ठीक है। ये कोझिकोड तट भी कहा जाता है, ये कालीकट तट था और यहाँ के शासक का पद था जेमोरिन, तो जेमोरिन के यहाँ जेमोरिन ने उसका स्वागत किया, क्योंकि अर्मियन व्यापारी वहां विरोधी थे। अब ये जो घटना है, आपको 20 मई को वहां पहुंचता है 1498 को, पहुंचने के बाद वो कुछ छोटे छोटे द्वीपों पर रुकता है, कालीकट पर देख रहे हैं आप, यहाँ लिखा भी है, तो छोटे छोटे जगह पर वो पहुंचता है और फिर वहां से जब वो लौटता है तो अपने साथ उस घर के यानी नगद लेता है, ये नहीं कि उपहार स्वरूप नहीं लेता है, नगद वो जो है आपका काली मिर्च वह ले लेता है, ठीक है। और काली मिर्च लेने के बाद यहां से जब वो चलता है भारत से और जब यहां पहुंचता है तो 60 गुना ज्यादा मूल्य पर उसके काली मिर्च बिकते हैं। अब जब वहां पहुंचता है तो पूरे यूरोप में शोहरत फैल जाती है कि भैया कितना ज्यादा सस्ता है भारत में। अभी भी ध्यान रखिएगा, अगर परिवहन सुविधाएं ज्यादा बढ़ा दी जाए तो भारत में कुछ प्रोडक्ट अपने अपने क्षेत्र में बहुत सस्ते हैं। दूसरा कि व्यवसायी अगर सूक्ष्म में मुनाफा ले और आपस में प्रतिस्पर्धा हो तो निश्चित ही बहुत से वस्तुओं के मूल्य बहुत कम रहेंगे, ध्यान रखिएगा। अभी अगर बालू पर आपको ज्यादा टैक्सेशन नहीं किया जाए तो बालू कोई पूछता नहीं है, ध्यान रखिएगा, वहां नदी किनारे जाकर देखिए। और राज्य सरकार ही अत्यधिक मुनाफा के लिए टैक्सेशन कर देती है और इस ढंग से उसका रेट ज्यादा हो जाता है। बालू तो सब समंदर में गिर के देख रहे हैं कितना क्या हो गया, डेल्टा बन गया है, इतना ज्यादा बालू नदियों से बहकर नदी के मार्ग को भी अवरुद्ध कर रहा है। कश्मीर बालू को लेकर सस्ते दर पर लोग भवन बना लेते, तो इस तरीके से ऐसा नहीं, रेट बढ़ा देती है गवर्नमेंट भी टैक्सेशन से और दूसरा परिवहन और तीसरा व्यापारी भी कोई कम नहीं है। दक्षिण भारत में जाएंगे आज भी शंख आपको 10 रुपया में मिल जाता है, बढ़िया शंख, क्योंकि समुद्र से उन लोगों को ऐसे ही टेंडर है फिर निकलता है, बस उसको साफ करना है, कटिंग करना है, थोड़ा बहुत डिजाइन करना है, लेकिन वही संख्या आता है तो 500, 600, 700, 1000, 1100 में संख्या मिलते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी का हो गया तो 2000, तो इतना ज्यादा उसमें मुनाफा लिया जाता है जो हम आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वही चीज है कि वो सोच के आश्चर्य किए कि 60 गुना ज्यादा महंगा वहां हो रहा है टोटल यात्रा व्यय का, तो समस्त यूरोपीय सोचे कि हम भारत आ जाए। पहला उनका रियल में उद्देश्य था सस्ते दर पर गरम मसाले की प्राप्ति, लेकिन एक कल्पना कीजिए कि कोई भी कहीं जाता है, जैसे हम बिहारी कहीं भी जाते हैं तो क्या अपने रीति रिवाज को छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते, हम अपना छठ व्रत भी करते हैं, हम वहां पर जाकर अपने ढंग से सरस्वती पूजा भी करते हैं, मां सरस्वती की पूजा सिर्फ करेंगे, अब दिल्ली में नहीं होती है, वहां पर बस बसंत पंचमी है हो गया, वो मुंबई में जाएंगे गणेश चतुर्थी मनाया जाएगा, लेकिन वहां पर आपको छठ पूजा बहुत कम होता है। बाल ठाकरे की सुने होंगे स्टेटमेंट आप लोग कि बिहारियों को नहीं रहने देंगे, लेकिन धीरे धीरे देखे होंगे जहां जहां बिहारी है वो छठ करने लगे। अब वाई प्रेशर दबाव के साथ मुगलों सॉरी दबाव के साथ यूरोपियों ने कभी नहीं ईसाई धर्म का प्रचार किया। हम लोग देखा देखिए, अब हम बिहारियों का देखा देखी, लोग गुजरात में भी छठ कर रहे हैं, गुजराती कर रहे हैं, दिल्ली वाले भी छठ व्रत कर रहे हैं, मुंबई वाले भी आपको बिहारी के साथ रहते रहते घुल मिल गए वो भी छठ व्रत कर रहे हैं, हो सकता है छठी मैया उनकी मनोकामनाएं पूरा कर रही हो, जो भी है, लेकिन लोग हम लोगों से सीख रहा है और जहां जा रहे हैं हम अपने व्यवहार को कर रहे हैं प्यार से, तलवार के बल पर नहीं। लेकिन जो तुर्क आए, जो मुस्लिम आए, जो मुगल आए,
उन्होंने भारत नहीं पूरे विश्व का इस्लामीकरण किया तलवार के बल पर, ताकत के बल पर, हत्या करके किया। तो इस तरीके से भारत में भी उनका यही तरीका था। कुछ मुस्लिम लोग सुनते हैं उनको लगेगा इनको नॉलेज कम है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्वयं इसकी शुरुआत मोहम्मद साहब के समय से ही हुआ था, वहीं पर सारे मूर्तियों को तोड़ दी गई थी। वो अगर सतर्क धर्म को आप भावनाओं से लेकर यहां बच ले, नॉलेज की बात है, नॉलेज में सत्य नॉलेज देना चाहिए। तो इस तरीके से उनको बुरा नहीं लगना चाहिए एकदम से, चूंकि सत्य नॉलेज है, आप रोक लोगे लेकिन इसको दबा नहीं सकते हो। तो वही चीज है कि वहां से ही तलवारबाजी शुरू हुआ, और जब से उमैयद और अब्बासी खलीफा हुए तब तो कतलेआम की श्रृंखला स्थापित कर दी गई। गजनवी और गोरी ने तो भारत में तहलका मचा दिया, इतनी हत्याएं की, लूटकाट मचाया लोगों ने। तो इस तरीके से उन लोगों ने बल प्रयोग किया, मुगलों ने भी बल प्रयोग किया, और इस तरीके से उन्होंने भारत का इस्लामीकरण किया। और आज देख ही रहे कि विश्व का सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री इंडिया है, दूसरा बड़ा देश, जबकि दो मुस्लिम कंट्री इससे अलग हट चुके हैं, पाकिस्तान और दूसरा बांग्लादेश। अगर ये दोनों देश नहीं होते, अलग रहते, तो शायद विश्व में सबसे ज्यादा इस्लामीकरण अगर कहीं होता तो वो भारत में होता, और सबसे ज्यादा मुसलमान अगर होते तो भारत में होते। जहां जन्म लिया अरब, वहां नहीं उतना हुआ, मक्का में नहीं हुआ, ठीक इसी ढंग से आपके अफ्रीकी कंट्री में नहीं उतने मुस्लिम है। लेकिन आप देखिए विश्व के, अगर ये दो देश नहीं हटते तो इंडोनेशिया आज नंबर वन बड़ा सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री है, और सेकंड आज भी इंडिया है ड्यू टू तलवार। लेकिन यूरोपीय आए तो उन्होंने भारत में अपने धर्म को थोपा नहीं। दो कारण थे कि एक तो कि व्यक्ति आस्था से जुड़ा होता है, बिना आस्था का मनुष्य में मनुष्यता संभव नहीं है, और वह जीवित भी नहीं रखता है। लोग कहता है कि हम आस्थाहीन है, हम नास्तिक है, लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मानव में आस्तिकता का होना जरूरी है। हाँ, ये जरूर है कि हम जिसे मानते हैं वो दूसरा न मानता हो, तीसरा मानता उसको भी दूसरा न मानता हो, अपना नया सिद्धांत एक लेकर चलेगा, लेकिन मनुष्य जो है आस्तिक होता ही होता है, भले वो मेरे लिए मेरे भावनाओं को नहीं आदर कर रहा, लेकिन मनुष्य नास्तिक संभव ही नहीं है। तो यूरोपीय भी है, जब यूरोपीय है तो भारत में उन्होंने ईसाई धर्म का अपना आचरण शुरू किया। अब जो लोग उससे प्रभावित तो होते गए, उन्होंने भी ईसाई धर्म को अपनाना शुरू किया। अब कहेंगे नहीं सर, उन लोगों ने बल प्रयोग किया। अब आप सोचिए कि अगर वो बल प्रयोग करते, आज कौन कर रहे हैं? आज तो हम आजाद है, क्या हैप्पी न्यू ईयर नहीं मना रहे हम? क्या जन्मदिन के केक नहीं काट रहे हैं? आज हमें कौन से ईसाई आकर कर रहे हैं तुम केक काटो, नहीं काटोगे तो तुमको हम जेल भेज देंगे, एक सजाए काला पानी दे देंगे? ऐसा तो कुछ नहीं है। हम लोग शौक से देखते हैं कि भैया इसमें ज्यादा लोग सेलिब्रेट कर रहा है, ज्यादा लोग आ रहे हैं, ज्यादा तालियां बज रही है, हैप्पी बर्थडे टू यू हो रहा है, आज कहां ईसाई है? तो उनकी अच्छाइयों को देखकर, उनकी आधुनिकता को देखकर हम लोग खुद उस तरफ आकर्षित है, आदमी प्रभावित हो जाता है। ऐसा नहीं कि नहीं होता, हम लोग इंद्र की पूजा छोड़कर कृष्ण की पूजा शुरू की, कृष्ण के दबाव में ही हम लोग जो है ऑलरेडी भगवान भले के जो थोड़ी सी यज्ञ होता था यज्ञ छोड़कर बौद्ध धर्म भी अपना, अब त्याग और समर्पण की सिद्धांत जैन धर्म भी अपना। आज भी बहुत सारे हमारे देश में जो है सुधारक लोग घूमते हैं। तो इस तरीके से ऐसा नहीं कि यूरोपीय लोग बल प्रयोग किया, लेकिन हाँ यहां आया तो अपनी उदारता से लोगों को अपने तरफ जोड़ा, ये सत्य है। और दूसरा कि यहां के कमजोरियों को देखकर, देखिए आए थे हमारे यहां वो कुछ ले जाते, लेकिन जब हमें देखे कि एकताबद्ध हम नहीं है, और मनुष्य स्वभाव से ही लालची होता है, व्यापारी तो और चाहता है कि हमको जहां से भी मुनाफा हो जाए, तो जो विदेशों से सोना लाकर वो दे रहे थे उस सोना को उन्होंने लाना बंद करना चाहा। सोचा कि क्यों नहीं हम अमेरिका से सोना ले लें, क्यों नहीं अफ्रीका से सोना ले लें, और इस तरीके से क्यों नहीं भारत से हम कपास भी ले जाएं, भारत से हम बड़े पैमाने पर नील भी ले जाएं, भारत से बड़े पैमाने पर बाद में राजस्व प्राप्ति यहीं से करके सोना भी ले जाए। तो जो सोना लाए थे वो भी ले गए, नील भी ले गए, कपास भी ले गए,
लेकिन यहां रहते रहते हमारे देश में कुछ बुरी परंपराएं जन्म ले ली थी। ध्यान रखेंगे, ईसाई धर्म बहुत पुराना धर्म नहीं है, ईसाई धर्म में भी बुराई है, लेकिन सबसे पहले ईसाई धर्म में ही सुधार आया, काफी वैज्ञानिकता है। हमारे सनातन धर्म में भी बुराइयां आई थी, जिसको दूर करने का प्रयास तत्कालिक रूप से महात्मा बुद्ध ने किया, महावीर ने किया, अजित केस कांपरीन ने किया, ठीक इसी ढंग से पूरण कश्यप ने किया, पाकुल कच्चैन ने किया, संजय बलिष्ठ पुत्र ने किया, सबने किया सुधार करने का प्रयास, लेकिन पुनः ये सारे धर्म भी उसी पथ पर चल पड़े, अनेक कमजोरियां आ गई। अब इन कमजोरियों को जो है, जो पहले हमारे सनातन धर्म की अच्छाइयां थी, सुधारने के प्रयास करने वाले भी उसी बाद के काल के प्रभाव से प्रभावित हो गए। यूरोप में ऐसा नहीं था, यूरोप में जो थे कैथोलिक जो थे वो बहुत ही बुरी परंपराओं को लेकर चले थे, प्रोटेस्टेंट आगे जो पूरी तरह वैज्ञानिक थे, और ईसाई धर्म बाद में आया, लेकिन जो सुधार हुआ वो अत्यंत साइंटिफिक था। अब उस साइंटिफिक विचारधारा को भारत में जो है लेकर आए, और वो हालांकि हमारे ऋग्वेद में पहले से भी था, लेकिन इतने क्लिष्ट शब्द को, उतने क्लिष्ट भाषाओं को, उतने अत्यधिक वैज्ञानिक और व्याकरण पर खड़ा लैंग्वेज को लोग समझ नहीं पा रहे थे। ऐसी स्थिति में आप बोलचाल के भाषाओं में पाली प्राकृत में जो धर्म आया, ये भी पुनः अपने क्लिष्टता की ओर, संस्कृत की ओर मोड़ गया। लेकिन यूरोपीय जो आए यहां पर, उन्होंने हमारे जब देखे रीति रिवाज को, बड़ा आश्चर्य किए कि भाई जादू मंत्र टोना टोटका देख रहे, मैं खुद प्रभावित हूं, अंगूठिया पाना हूं, बहुत सारे रुद्राक्ष पढ़ना हूं, तो ये कहीं ना कहीं मस्तिष्क में घर कर दिया है कि इससे कुछ ना कुछ लाभ होने वाला है, ये प्रभावित है दिमाग हमारा, चाहे जहां से भी आया हो। तो इस तरीके से इसको उन्होंने रोकने का प्रयास किया, उन्होंने कहा बाल विवाह नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाल विवाह से जो है बच्चियों को पढ़ने का अवसर नहीं मिलता, साथ ही साथ परिवार में एडजस्ट करने के तरीके उनके पास नहीं होते, शरीर की पूरी तरह विकास नहीं हो पाती है, इसलिए बाल विवाह को रोका। सती प्रथा में भी उन्होंने देखा कि महिलाओं को जला दिया जा रहा है, इसे महिला कहां दोषी है, क्यों जलाया जाए, तो इस तरीके से सती प्रथा का विरोध किया। ठीक इसी ढंग से उन्होंने विधवा विवाह को अनुमति दे दिया कि विधवाओं का क्या दोष है, बहु विवाह प्रथा को रोका, वैज्ञानिक शिक्षा देने का प्रयास किया, इंटरनेशनल लैंग्वेज में शिक्षा देने का प्रयास किया, क्योंकि यहां के भाषाओं में उन्होंने देखा कि बहुत दिक्कतें आ रही है। और जब समाज सुधार को उन्होंने प्रयास शुरू किया, तो उसमें भारतीय लोग भी बहुत बढ़ चढ़ कर आ गया है। अगर अंग्रेज कुचलना चाहते तो सामाजिक सुधारकों को कुचल देते, लेकिन राजा राम मोहन राय ने जैसे ही सती प्रथा का विरोध किया, वैसे ही उन्होंने धारा 17 के अंतर्गत 1829 में सती प्रथा को बंद कर दिया। ठीक इसी ढंग से दास व्यापार प्रथा स्वयं कर्नवालिस ने रोका था 1789 में, जिससे दासों का इंटरनेशनल ट्रेड नहीं हो सके, भारत से बड़े पैमाने पर दास बेचे जाते थे। आपको फिरोज तुगलक के समय में तो उसके दरबार में 180,000 दास थे अपॉइंट किए हुए, तारीख एक फिरोजशाही में, अब फतुहात फिरोजशाही में वो स्वयं लिखता है। इस तरीके से दीवान बंदगान यानी कि दासों का एक डिपार्टमेंट बनाता है फिरोज तुगलक, तो समझा जा सकता है कि दासत्व तो कितनी चरमोत्कर्ष पर थी, बधुआ मजदूरी कितनी चरमोत्कर्ष पर थी, बाल विवाह की प्रथा में गौड़ी विवाह कन्या विवाह भी भारत में था, सती प्रथा तो इतनी थी जिसको क्या कहा जाए, विधवाओं का तो दर्शन करना भी समाज में अच्छा नहीं माना जा रहा था। तो विद्यासागर के माध्यम से अंग्रेजों ने 1856 में विधवा विवाह को अनुमति प्रदान किया। तो ये सारे अंग्रेजों ने सुधार के काम किया, यानी अंग्रेज आए थे तो निश्चित ही भारत को उन्होंने प्रारंभ में मशाला प्राप्ति का उद्देश्य था, बाद में जो भी यहां से अच्छे संसाधन थे ले जाना शुरू किए, बदले में सोना चांदी देते रहे, लेकिन यहीं के संसाधन से यहीं की वस्तु को खरीद कर बाद में ले जाने लगे। और भारत के उन्होंने विकास के नाम पर बड़े पैमाने पर भारतीय संसाधनों को अपने हितों के लिए प्रयोग किया। जो आप देखे हैं ब्रिटेन का औद्योगिकीकरण हुआ, वह मेन उद्देश्य मेन था भारत के ही बाजार और भारत के ही कच्चे संसाधन, भारत की बहुत बड़ी पूंजी मिला,
दूसरा कच्चा माल मिला उनको, कपास वगैरह नील वगैरह सब इंडिया से मिले, और ठीक इसी ढंग से बहुत बड़ा प्रोडक्ट माल के सेल करने का मार्केट भी भारत मिला। तो सारी चीजें उनको अवेलेबल भारत ने कराया। कुछ वो एग्रेसिव माइंड के थे, काफी साइंटिफिक सोचते थे, उन्होंने औद्योगिकीकरण किया, लेकिन वो औद्योगिकीकरण से केवल यूरोप को बेनिफिट नहीं हुआ, ब्रिटेन को नहीं हुआ, बल्कि उससे भारत को भी हुआ। हाँ, ये जरूर था कि दूसरे थे, दूसरे देश से आए थे, दूसरे महादेश से आए थे, अतः ऐसी स्थिति में उन्होंने भारत को ज्यादा लूटा कम दिया। लेकिन निश्चित ही भारत में जो आधुनिक काल है, अगर यूरोपीय नहीं आते तो आज जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता तथा लोकतंत्र की हल्की बयां, अभी बहुत मजबूत लोकतंत्र नहीं है, अभी भी भाई भतीजावाद है, अभी भी जात पात है, अभी भी ऊंच नीच है, अभी भी छुआछूत है, अभी भी जो है क्षेत्रवाद है, अभी भी भाषावाद है, लेकिन बहुत हद तक अंग्रेजों ने साइंटिफिक एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन एंड इंटरनेशनल लैंग्वेज के माध्यम से इसे दूर करने का प्रयास किया, और आज भारत 21वीं शताब्दी के तीसरे दशक के दूसरे वर्ष में आज इतना तरक्की किया है कि पूरे गांव गांव गली गली में हैप्पी न्यू ईयर बोला जा रहा है, ड्यू टू यूरोपीय योगदान एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट इसके लिए ज्यादा कारगर रहा, जिसमें उन्होंने सबसे ज्यादा अनुसंधान किया, और भारत खोकर भी यानी अपना आर्थिक नुकसान करके भी निश्चित ही कुछ न कुछ इसका लाभ उठा पाया। तो धन्यवाद, नमस्कार, आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में आप देखेंगे, और यूट्यूब जरूर आप सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो डेली आपको जो है लाइव चलेगा, अभी तो खैर वीडियो बन रहा है, लेकिन इसके बाद जो है एमके सर स्टडी पॉइंट के नाम से है, कुछ उसमें दाढ़ी वाला भी है, कुछ बेदाढ़ी वाला भी है, पहचान लेंगे आप, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बहुत जरूरी है सब्सक्राइब करना, तो आप यूट्यूब चैनल पर इसे सहयोग कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।